Hero Destiny 125, India's first scooter with advanced i3s technology, जो रुकने पर इंजन को ऑटोमेटिकली बंद करे, फिर स्टार्ट हो आसानी से और पेट्रोल बचाए। Hero Destiny 125। दो कदम आगे। हिमाचल के 13 उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिनों के अंदर जवाब देना होगा। जानकारी के अनुसार प्रदेश में 13 फार्मा उद्योग के दवाइयों के सैंपल फेल होने के बाद ड्रग विभाग हरकत में आया है। विभाग ने इन सभी उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी कर इन सभी उद्योगों से 7 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देना होगा। जो उद्योग ऐसा करने में नाकाम रहेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में ड्रग निरीक्षक की अब हर सोमवार को रिव्यू मीटिंग होगी, जिसमें उन्हें उद्योगों का ब्यौरा देना होगा जिनके सैंपल बार बार फेल हो रहे हैं। यही नहीं, निरीक्षकों को इन उद्योगों का भी निरीक्षण कर ये पता लगाना होगा कि क्यों इन उद्योगों के सैंपल बार बार फेल हो रहे हैं। इसकी रिपोर्ट सोमवार को रिव्यू मीटिंग में प्रस्तुत करनी होगी। CDSCO द्वारा ड्रग अलर्ट में प्रदेश में बनी 13 दवाओं के सैंपल फेल हुए थे, जबकि देश में 36 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। देश में जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं उनमें औसतन 13 उद्योगों का उत्पादन हिमाचल में हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में दवाओं के सैंपल फेल होने से प्रदेश की छवि भी खराब हो रही है। ड्रग अलर्ट जो अभी आया है 13 सैंपल्स के लिए, तो विभाग जो है इसमें बिल्कुल सतर्क है और इमीडिएटली नेक्स्ट डे ही, जिस दिन ये अलर्ट आया था उससे नेक्स्ट डे ही सबको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और निर्देश दिए गए हैं कि इसमें आपका जो सैंपल्स का क्या स्टेटस है मार्केट में उसको रिकॉल करिए। ये निर्देश उनको जारी कर दिए गए हैं विभाग की तरफ से, क्योंकि ये अभी हमारा ये पूरी एक प्लानिंग चल रही है कि जो अगर कोई कंपनीज ऐसी आइडेंटिफाई होती हैं जिनकी जैसे आप बात कर रहे हैं बार बार रिपीटेडली फेल हो रहे हैं, तो उस पर हम अपने द्वारा निरीक्षकों के द्वारा आने वाले समय में समय समय पर उनकी इन्वेस्टिगेशन और इंस्पेक्शन रहेगी, ताकि हम रूट कॉज पता कर सकें कि ऐसे क्या कारण हैं। और दूसरा ये भी देखने वाली बात है कि अगर वो जो फेल हो रहे हैं किन 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 तथ्यों पे फेल हो रहे हैं, क्या वो ग्रॉसरी सबस्टैंडर्ड हैं, तो उस तरफ हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, कंसर्न रहेगा और हम पूरी अपनी एक्ट के अंदर जो भी है सख्त से सख्त कार्रवाई उसमें करने वाले हैं। इसमें अभी जो ये 13 सैंपल्स आए हैं इसमें से जो मेरे नॉलेज में है एक उद्योग जो है वो सिरमौर ज़िले में है और 4 उद्योग शायद इसमें कांगड़ा में हैं और बाकी इधर सोलन ज़िले में है। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए 32 से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।